बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रियलिटी वॉइस टीवी की एक और नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, शेख सादी का सलाम मशरफुद्दीन बिन मसलहुद्दीन अब्दुल्ला था। आप ईरान के शहर शेराज में पैदा हुए। आपकी पैदाइश 1184 में जबकि वफात 1291 में हुई। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ममालिक का सफ़र किया और अपनी ज़िंदगी में बहुत इल्म व दानिश हासिल करने के लिए सफ़र किया। आपने अपनी ज़िंदगी में किए गए सफ़र के दौरान इनसे हासिल शुदा मुशाहिदों पर बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें गुलिस्ताने सादी और बोस्ताने सादी बहुत मशहूर हुई। आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर लोगों की रहनुमाई की। बच्चों की तरबियत के हवाले से आपके चंद कौल ऐसे हैं जिनसे बच्चों की बेहतरीन तरबियत की जा सकती है। आपने कहा कि जिस बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाए, इसे ना महरमों और ऐरों गैरों में ना बैठने दो। अगर तू चाहता है कि तेरा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे इखलाक की तालीम दे। अगर तुझे बच्चे से मोहब्बत है तो इससे ज़्यादा लाड प्यार ना कर। बच्चे को उस्ताद का अदब सिखाओ और उस्ताद की सख्ती सहने की आदत डालो। बच्चे की तमाम ज़रूरियात को खुद पूरा करो और इसे ऐसे उम्दा तरीके से रखो कि वह दूसरों की तरफ ना देखे। शुरू शुरू में पढ़ाते वक्त शाबाश से बच्चों की हौसला अफजाई और तारीफ करो, और जब वो इस तरफ रागिब हो जाए तो इसे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाओ, और ज़रूरत पड़े तो इसे सख्ती भी करो। बच्चे को दस्तकारी यानी हुनर सिखाओ। अगर वो हुनरमंद होगा तो बुरे दिनों में भी किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने हुनर से मदद लेगा। बच्चे पर कड़ी नज़र रखो ताकि वो बुरों की सोहबत में ना बैठे। तो ख़वातीनो हज़रात, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी वाले बटन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।